सारी चीजें आपको किस तरफ जाती दिख रही है? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हरजिंदर जी, अभी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि बुलडोजर पे चर्चा करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि हम अभी जो यहाँ बात अभी तक सामने आई है, या जिस तरह से आमतौर पे जो अल्टरनेटिव मीडिया में भी चर्चा हो रही है, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे वो साथी लोग जिनका सेकुलरिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज जिन्होंने कभी नहीं किया है, जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जिसका कुछ हल्का सा इशारा भी अनिल सिन्हा जी किया, वो सब लोग भी इस मुगालते में हैं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें ये कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये होती रहनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा बड़े अदब के साथ हरजिंदर जी, कि अब आपका ये देश सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा हुआ है, और अगर इसको कोई चमत्कार ही बचा ले जाए तो बचा ले जाए, वरना जिस तरह से बारूद बिखेरा गया है पूरे देश भर में, और आज नहीं पिछले 7 सालों में उस बारूद की चिंगारी कहीं से भी फूटेगी, वो फूट रही है, वो चाहे मध्य प्रदेश का खरगोन हो, चाहे राजस्थान का करौली हो, चाहे कर्नाटका के हिस्से हो। अब ये जो और ये है उस प्रोजेक्ट हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का हिस्सा के जिसे 100 साल पहले बोया गया था, जिसका बीज, और अब वो एक तनावर दरख्त के तौर पे हमारे सामने आ गया है। अब ये इस देश को तय करना है, ये बिल्कुल इसकी स्थिति जो 79 में ईरान की थी खुमैनी के आने के समय, ये वैसी स्थिति भारत में बनती हुई मैं देख रहा हूँ। और उसमें होगा ये कि जो सेक्युलरिज्म का की बात करने वाले लोग हैं, या जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों में यकीन रखने वाले लोग हैं, जिस पर संविधान बना था और पिछले 70-75 साल चला, उन सबको ख़त्म किया जाएगा। अनिल सिन्हा जी, ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, आज तो मुसलमान निशाने पे हैं, कल को आपकी भी बारी आने वाली है, इसलिए मुगालते में मत रहिएगा। और उसके बाद उसमें फिर वही होगा जो वी आवर नेशनहुड में गुरु जी डिफाइन कर गए हैं कि ये देश उच्च जाति के हिंदुओं का है, इसमें बाकी लोगों को मनुवादी व्यवस्था के तहत रहना होगा, और जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, और अब तो उसमें सिख भी शामिल हो गए हैं, उन सबको दूसरे दर्जे का शहरी बनकर के रहना होगा। और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 7 वर्षों में उसने इन तीनों लोगों को, कम से कम माइनॉरिटीज को, बता दिया कि तुम नंबर 2 के शहरी होकर रह सकते हो, नंबर 1 का शहरी होकर के नहीं रह सकते। 302 सांसद उनके चुन के आए, उनमें एक भी मुसलमान ना हो, ईसाई ना हो, सिख ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में बहुत सारे लोग हैं कहते हैं तो भारतीय संविधान के तहत प्रक्रिया का हिस्सा, इसमें क्या किया जा सकता है। या अभी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 300 विधायक वहां चुन करके आ जाए, उनमें एक दवाई के नाम पे भी कोई माइनॉरिटी का आदमी ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो संविधान के तहत है और ये लोकतंत्र फल फूल रहा है। और इसमें अगर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या हुआ, इसमें अगर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या हुआ, इसमें दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि वो उनका मकसद है ही नहीं। उनका मकसद वैसा ही देश बनाना है जो गोलवालकर साहब लिख गए हैं और जिस पर बहुत इफेक्टिवली नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में काम किया है। वाजपेयी सरकार इस मामले में अपवाद थी कि उसने इतना रैबिट तरीके से, ब्लेटेंट तरीके से इन चीजों को नहीं किया था, और जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, अयोध्या हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उसको बैक बर्नर पर रख दिया था। लेकिन अब तो बेशर्मी के साथ धारा 370 खत्म कर दी गई, इस देश में चेंटी नहीं मरी, अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, सब मान लिया गया कि अब मामला खत्म। और अब फिर उसके बाद में हमने देखा कि काशी और मथुरा की भी बात उठ रही है, जो कि नहीं उठनी चाहिए लेकिन फिर भी उठ रही है, और अब मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र की वो कविता मुझे याद आती है जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए लिखी थी, कि आदेश है कि ये तुम्हारा देश। अब किसी को भी अपने अधिकार की तो बात छोड़ दीजिए, अगर इस देश में जान बचा के रहना है तो गर्दन नीची करके, कपड़ा डाल करके पड़े रहना होगा एक तरफ कोने में,
और उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि जान बच पाएगी। तो वो चाहे शिवराज सिंह कर रहे हो, और ये तो अभी योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले जनवरी 2020 में कानून बनाया जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और उसको खत्म करवाया उनके सर्कुलर को, जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात है, लेकिन वो कानून तो अभी है ही कि जो लोग विरोध करेंगे, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे, सिविल नाफरमानी करेंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे लागू किए जाएंगे और उन्हीं से तावान वसूल किया जाएगा। अभी तो पता नहीं मुकदमा दर्ज हुआ है भी या नहीं भी, खरगोन में शिवराज सिंह का बयान आ गया कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रहेंगी और किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां के ADG से पूछा रिपोर्टर ने कि साहब अभी तो इनके ऊपर मुकदमे भी कायम नहीं हुए हैं और आपने जो है इनके ऊपर तावान वसूली का नोटिस दे दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम डर बैठाना चाहते हैं, यही शब्द है कोट अनकोट, कि हम इन लोगों के दिल दिमाग में, अरे भैया अभी मतलब मुद्दा तू मुनसिफ तू, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी जला रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उन्हें जेलों में डाल रहे हो और ऊपर से उन्हीं से तावान वसूल कर रहे हो, ये तो दुनिया की किसी दौर में नहीं हुआ, शायद हिटलर के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ होगा और अंग्रेजों के जमाने में भी हमने देखा है कि 90 साल के राष्ट्रीय आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई कि ऐसी चीजें की गई हो। हर चीज के लिए अगर कोई मुजरिम है तो वो मुसलमान, हर चीज के लिए गुनहगार है तो वो मुसलमान और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। तो हरजिंदर जी, ये अब आप लोगों को तय करना है, मतलब सिविल सोसाइटी को इस देश की, कि इस देश को रोकना है उस रास्ते पे चलने पे जिस पे ये चल पड़ा है और बहुत जैसे अश्वमेघ का घोड़ा दौड़ता है उस तरह से दौड़ रहा है, या इसको लगाम कोई लगाएगा। तो लगाम की तो उम्मीद इसलिए नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो घर बैठ गई हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो वो चला रहे हैं, वही चीज मीडिया में भी दिखाई दे रही है, वही जुडिशरी में भी दिखाई दे रही है। और मुझे तो खौफ आता है उस दिन से जो खबरें मुझे मिल रही हैं कि सेना के अंदर भी ये जहर पहुंच गया है, क्योंकि एक जमाने में जब दंगे होते थे और सेना का फ्लैग मार्च होता था तो ये उम्मीद बंधती थी कि अब दंगा रुक जाएगा, लेकिन ऐसे हालात में जो मानसिकता बनाई जा रही है उसमें सेना भी क्या कुछ कर पाएगी, मुझे संदेह है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये किसी एक राज्य का नहीं है, एक जिले का नहीं है, ये पूरे देश में जहर फैल गया है। इसकी अगर सर्जरी नहीं की गई और बहुत ही वो सर्जरी के विदाउट एनेस्थीसिया, तब जा करके ये मामला रुकेगा, और रुक भी पाएगा कि नहीं, मुझे इसमें संदेह है।